हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज तपोवन में शुरू हुआ है। सत्र में विधायकों की शपथ से पहले ही सदन में विपक्ष ने हंगामा किया। नई कांग्रेस की सरकार द्वारा पूर्व जयराम सरकार के खुले दफ्तर डी नोटिफाई के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सत्र शुरू होने से पहले ही मुद्दा उठा दिया। इस दौरान विधायकों ने सदन में नारेबाजी की और सदन से वॉक आउट भी किया। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जयराम ठाकुर को नेता प्रतिपक्ष चुने जाने की बधाई दी और कहा कि विपक्ष को सदन के अंदर बोलने का पूरा मौका दिया गया है। सरकार में रहते हुए भाजपा ने 9 महीनों में बिना बजट के भगवान भरोसे संस्थान खोल दिया और ना ही पदों को भरा गया। सभी भर्तियां कोर्ट में लटकी हैं। वर्तमान सरकार जहाँ जरूरत होगी वहाँ संस्थानों को जरूर खोलेगी और बजट का प्रावधान करेगी। और हमने विपक्ष के नेता को बहुत समय दिया और अच्छी बात है, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने अपने 900 संस्थान के बारे में पूछा तो हमने बता दिया कोई बजट नहीं है आपके सामने, कहा है। तो वो उनका दायित्व बनता है विपक्ष के नेता होने के नाते, क्योंकि 9 महीने में ऐसी दैवीय शक्ति आ गई कि 900 इंस्टीट्यूशन खोल दिए। कोई लेक्चरर भर्ती नहीं किया, कोई TGT भर्ती नहीं किया, कोई टीचर भर्ती नहीं किया, पर संस्थान खोल गए। तो उन्होंने सोचा कोई भगवान आकर इन संस्थानों को चलाएगा, उस मुद्दे पर उन्होंने बात रखी। तो ये अपना जो ध्यान है वो जनता की तरफ लाने के लिए मुद्दा लाया जाता है ऐसे। देखिए, हमने बोला नीड बेस्ड जहाँ होगा, पहले हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे, हम जहाँ सरकारी ऑफिस बंद किए गए वहाँ सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करेंगे और बजट आने पर हम उसमें बजट का प्रावधान करेंगे। और जहाँ हिमाचल के लोगों की जरूरत होगी वहाँ उन संस्थानों पर पुनर्विचार करके मेरिट के आधार पर खोला। सर, भर्तियों में जो घोटाला हुआ है, देखिए मैं तो समझ नहीं पाया कि इतने संस्थान खोलने से पहले पहले भर्तियाँ की जानी चाहिए थी। भर्तियाँ उनकी सारी स्टी है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस चल रहे हैं। और इस दृष्टिकोण से अगर वो अपना कार्य कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि हमें पूरी तरह से अब सब प्रकार से बात लेकर आगे बढ़ना है। और जहाँ कोई भी बच्चा, अगर एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, हमारी सरकार का ये कटिबद्ध है उसके लिए। लेकिन अपनी संस्थाएं खोलकर भी, 900 संस्थाएं खोलने के बाद भी जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठा दिया, तो उन्हें अपने गृहवाह में झांकने की जरूरत है। इसका मतलब है कि वो संस्थाएं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए खोले गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे कुलदीप सिंह पठानिया जी, उनके नाम को सेकंड किया है, मैंने प्रपोज किया है और जयराम ठाकुर जी ने उसको सेकंड किया। ये सांझा उम्मीदवार हो गया आज नॉमिनेशन के बाद जी। और उसके बाद हमारे हर्षवर्धन चौहान जी और मुकेश अग्निहोत्री जी ने प्रपोजल सेकंड किया, और शांडिल जी और पूर्व जो स्पीकर थे विपिन परमार जी, उन्होंने प्रपोजल सेकंड किया। तो 3 सेट कर दिए, तो लगता है कि उनका नॉमिनेशन आज खत्म हो गया, तो अनअपोज उनका चुनाव आने वाले समय में हो जाएगा। गौर हो कि 6 जनवरी तक चलने वाले इस सत्र में कुल 3 सिटिंग होगी। सत्र के दूसरे दिन यानी कल विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। स्पीकर चुनने की प्रक्रिया प्रोटेम स्पीकर की अगुवाई में पूरी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, धर्मशाला।